अरे मल्होत्रा, तुम्हारा बेटी तो खूबसूरत है ही, लेकिन तुम्हारा बेटा भी बड़ा हैंडसम है। ये हमारा ड्राइवर है। और क्या क्या करती है आपकी बेटी? हमारी बेटी गिटार भी बजा लेती है। बजाओ बेटा, बजाओ। हाँ? बजाओ। वैसे बेटा जी, आप खाने में क्या क्या बना लेते हो? जी मैं नूडल्स बहुत अच्छे बना लेती हूँ। मुझे नूडल्स बहुत पसंद है। अरे चुप। वैसे बहन जी, इसके पहले 36 लड़कियों को रिजेक्ट कर चुका है हमारा बेटा। बेटा तुम्हें खाना बनाना आता है? जी। अरे ये क्यों खाना बनाएगा? क्योंकि इसे खाना बनाना नहीं आता। बेटा तुम्हारी हॉबीज क्या क्या है? मुझे ना लंगड़ी पसंद है, चुप्पा चुप्पी। बहुत अच्छा गाती है। इन्होंने भी तो मुझे इसलिए पसंद किया, मेरा गाना सुन के फिदा हो गए। सुनाओ ना। मेरी जिंदगी है क्या, एक कटी पतंग है। कपड़े पपड़े तो धो लेते हो ना? पकड़ा पकड़ी और लगोरी पसंद है। बर्तन बांध लेती हो ना? बेटी जो कुछ पूछना है जल्दी पूछ लो। क्या शादी के बाद मम्मी जी साथ में रह सकते है? नहीं। पिताजी रहने दो ना। मुझे ना घर घर खेलना भी बहुत पसंद है। आप मानोगे नहीं, 24 रिश्ते ठुकराने के बाद मेरे इनको और मुझे तो देखते ही प्यार हो गया था। वो तो किसी को भी हो जाता है समधन जी। देखिए मल्होत्रा साहब, हम उनमें से नहीं है जो दौड़ी लेते हैं। कितने ऊंचे ख्याल है इनकी। चोटों को गाड़ियां बहुत पसंद है। अगर एक गाड़ी लेकर दे तो। यंग जनरेशन, अंदर जाके जरा बात तो कर लो। अभी गाड़ी लिया तो फिर पार्क करने के लिए गराज तो चाहिए ना। सुनो, आपका पहले कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं था ना? नहीं बॉयफ्रेंड तो नहीं था, लेकिन बॉयफ्रेंड्स थे। गाड़ी और गराज है तो गराज के लिए बिल्डिंग तो लगेगा ना बाबा। एक फ्लैट खरीद के देना जिसमें गराज हो। रमेश, सुरेश, डैडी जी। बोलो बेटा। आपकी छोटी बेटी भी बहुत खूबसूरत है। ए, ये मेरी बेटी नहीं, बेटा है। एंथनी, सचिन, डेविड, बस का बेटा। अच्छा बिल्डिंग के ऊपर आपको हेलीपैड भी चाहिए होगा ना? नहीं, छोटू को कभी हेलीकॉप्टर चलाना होगा तो। तुमने हमारी मुंह की बात छीन ली। ये रिश्ता एकदम पक्का है, हमको मंजूर है। बोलो शादी का डेट कभी रखना है? 30 फरवरी का रख देते हैं। 30 फरवरी बेटा नोट कर देना, 30 फरवरी।